दोस्तों आज हम बताने वाले हैं 12 बैटरी के बारे में कि 12 बैटरी ये अकेला इन्वर्टर कैसे जो है मात्र 4 घंटे के अंदर फुल कर देता है। और रियलिटी बताएंगे, सच्चाई बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, आधा मत देखना, इससे आपको एक जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों अभी आपने हमारा जस्ट कुछ टाइम पहले अगर एक वीडियो देखा होगा, आधे घंटे पहले मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि बैटरी 45.23 था। मतलब कि आधे घंटे में 1% भी बैटरी नहीं उतरा और इन्वर्टर का लोड 250-300 परफेक्ट चल रहा है। मतलब कि ये बैटरी इतना अधिक बचा रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब बात होती है 12 बैटरी कैसे ये इन्वर्टर चार्ज कर दिया, वो भी 4 घंटे के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस इन्वर्टर के अंदर सबसे खास बात जो बूस्टिंग कॉइल है, जो इसकी क्वालिटी बनाई गई है। दोस्तों ये इन्वर्टर 100 एम्पियर तक एसी और इसके बाद सोलर से चार्जिंग की क्षमता है। अगर दोस्तों आप इसमें कम पैनल लगाते हैं तो भी 40 से 50 एम्पियर, 60 एम्पियर, 70 एम्पियर तक की चार्जिंग निकालेगा। और बैटरी को आप पैरल कर दो, जो बैटरी कमजोर होगी, जो बैटरी कम प्लेट की होगी, कम एम्पियर की होगी, उसका पैरामीटर को लेबल करते हुए ये बैटरी को लेबल में चार्ज कर देगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 12 बैटरी को इस इन्वर्टर ने फुल चार्ज किया, वो भी बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का, बिना किसी मतलब कि लो भी धूप था। अब दोस्तों इस इन्वर्टर भी हमारा चार्ज करता था, बट दोस्तों इसके लिए काफ़ी टाइम लगता था। और मतलब कि अगर बरसात का मौसम है, जैसे इसके अंदर मेरा लुमिनस विक्टर प्रो है, पैक है, बिक चुका है। अगर मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं हुए तो आपको नहीं पता होगा। तो फ्रेंड ये मतलब कि जो लॉस ट्रांसफार्मर इन्वर्टर करता था, ये लॉस नहीं कर रहा है और वो पूरी की पूरी कैपेसिटी देके बैटरी को चार्ज कर रहा है। दोस्तों आज मैंने टेस्ट किया था, मेरी सारी बैटरी फुल चार्ज हो गई, एकदम एक नंबर का। और ये बैटरी आप जो देख रहे हैं, 4 बैटरी दोस्तों, 11.23 आपको दिख रहा है फ्रेंड। ये बैटरी में हो क्या रहा है कि ये बैटरी फ्रेंड अभी के टाइम में क्या है कि लोड चल रहा था करीबन दोस्तों, धूप इस समय 4:30-4 बजे तो गायब हो जा रहा है फ्रेंड, हल्का हल्का धूप था, तब से लेके अब तक का ये लोड चलाया, मतलब कि घर में हीटर भी चले हाथों सेकने के लिए दोस्तों, तो ये बैटरी अब डाउन हो गया। अब ये बैटरी हमारा नंबर लगेगा, रात भर चलेगा, सवेरे के 7:15 तक हमारा ये बैटरी निकाल देगा फ्रेंड। इसके बाद ये बैटरी हमारा थोड़ा मोड़ा खर्च होगा, बाकी ये बैटरी हमारा पूरा सेफ रहेगा। तो फ्रेंड इसमें एक खास बात ये है कि ये बैटरी को पूरी कैपेसिटी तक चार्ज कर रहा है और पूरी बैटरी को चला भी रहा है। और डीप से बाहर निकालने का इसके अंदर गजब का तरीका है कि ये बैटरी को पहले 80% चार्ज करने के बाद फिर स्लो चार्जिंग से बैटरी को डीप में निकालेगा। तो काफ़ी कमाल की चीज़ है। आप इसकी नॉइस सुनिए, कोई भी नॉइस इसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इस पे हैवी लोड डालोगे, हैवी चार्जिंग करोगे तो फैन फास्ट चलेगा। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड, अभी आपको लाइव दिखाता हूँ, आपको भी यकीन हो जाएगा। अभी देखो इस समय बैटरी से 8 एम्पियर से 7 एम्पियर समथिंग ले रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको टेस्टिंग के लिए मैं बिजली को ऑन करता हूँ। मैंने यहाँ पे स्विच ऑन किया, अभी देखो यहाँ पे 0 वाट है, कोई भी वाटेज नहीं है। देखो ऑन करूँगा, देखो बीप जला, देखो अभी चेंज होगा ब्लू कलर में, देखो ब्लू कलर में चेंज हुआ। अब देखो कैसे ये चार्जिंग भागता है, आप लोग ध्यान देखना इसको, और फैन का आवाज भी सुनना, कितना फास्ट आवाज आ रहा है। देखो अभी, देखो अभी आप लोग देखो किस तरह भाग रहा है, देखो देखिए। देखिए आप लोग, देख रहे हैं आप लोग, अभी ये फैन और तेज चलेगा, अभी धीरे धीरे को ये चार्जिंग बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने चार्जिंग 40 पे सेट किया है। अब यहाँ पे देखो 2500-2600 वाट लेने लगा। अगर बिजली से चार्ज करोगे तो आपका पूरा हालत खराब हो जाएगा, तो इसे बिजली से चार्ज मत करना। अगर बिजली से चार्ज करना है, इसकी चार्जिंग 10 से 15-20 एम्पियर रखना आपके लिए सेफ रहेगा।
तो इतनी इसकी कैपेसिटी है, आप इसका नॉइस सुन सकते हैं, इसकी ये नॉइस है, तो बढ़िया चीज़ है। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया, मैंने बिजली को बंद कर दिया यहाँ पे, क्योंकि बिजली इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने 2 से 3 दिन बिजली इस्तेमाल किया फ्रेंड, इसको टेस्टिंग के लिए 150 यूनिट आ गया दोस्तों बिजली का बिल। बट रियल लाइफ में इसके बारे में पता चल गया, इमरजेंसी में कभी बिजली इस्तेमाल करना पड़ा, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। तो इसकी एक क्वालिटी है कि 12 बैटरी को चार्ज करने का क्षमता इसके अंदर है, जो शायद अभी ट्रांसफार्मर इन्वर्टर में शायद अभी ये सिस्टम कम है। तो आपने जान लिया, समझ लिया, वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।